तो जब तक ऑफिशियल आंसर कीज नहीं आती एग्जामिनेशन को लेकर स्टूडेंट्स को काफी टेंशन रहती है उनके दिमाग में रहता है कि मेरा रिजल्ट कैसे आएगा मेरा कट ऑफ कितना जा सकता है तो उसी के रिकॉर्डिंग ये वीडियो तैयार किया गया जिसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं 95 परसेंट चांसेस हैं कि इस वीडियो में जो भी आंसर्स मैं आपको बता हूं वो सही होंगे पांच परसेंट ऊपर नीचे हो सकते हैं और हमें उतने तो नहीं चाहिए ना हमें केवल सिक्सटी परसेंटेज तक चाहिए रहेंगे अपने कट ऑफ को क्लियर करने के लिए तो मतलब ये मान लीजिए कि अगर आपने इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को मैच किया है तो भी आप अपने आंसर्स को चेक कर पाएंगे कि आप कितना आ, इस बार स्कोर करने वाले हैं ऑलरेडी एक आ, हाफ वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं वो आपको मिल जाएगा बाकी जो हाफ फिफ्टी क्वेश्चन मैं काफी डिटेल में आपको आज बताऊंगी इसमें आंसर्स भी होंगे एक्सप्लेनेशन भी होंगी एंड आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाइएगा अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कमाल के वीडियो आपको मिलते रहेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्टी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देख रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्ट्स एंटोजेनिक स्टेरॉइड ठीक है तो अगर एंडोजेनिक endo, स्टेयड uh, हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसका क्या साइड इफेक्ट नहीं होगा मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि जब भी क्वेश्चन में अगर आपको दिख जाए नॉट तो समझ जाना कि आपको क्वेश्चन को एटलीस्ट दो बार पढ़ना पड़ेगा ये हैबिट बना लो अपनी ठीक है तो फिफ्टी फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे एक्नेस जो स्किन प्रॉब्लम होती है स्किन पिंपल्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं बिल्कुल सही है फेशियल हेयर अगर हम लोग ज्यादा स्टेरॉइड्स यूज करते हैं तो जो मेल हार्मोन है मेल हार्मोन के जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं तो फेशियल हेयर विल बी देयर वेट लॉस तो स्टार्टिंग में तो वेट लॉस होता है उस स्टेरॉइड को यूज करने से लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा वेट गेन भी होता है बट यहां पर हम लोग वेट लॉस कंसीडर दे सकते हैं तो ए बी सी तो आंसर मतलब नहीं होगा क्योंकि ये तो होता है पूछा है क्या नहीं होता है तो आंसर शुड बी स्कॉल्प हेयर लॉस अब आप लोग बोले मैम स्कालेयर लॉस भी तो हो सकता है बट अगर आपने अगर बुक्स को पढ़ा होगा तो बुक्स में कहीं पर भी स्कॉप हेयर लॉस नहीं दिया होता है ए बी सी आपको को मिलेगा ऑप्शन में लेकिन डी नहीं मिलेगा तो इसका सही आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो डी होना चाहिए फिफ्टी तो फर्स्ट का सही आंसर है डी उसके बाद फिफ्टी क्वेश्चन की अगर बात करें तो फिफ्टी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पगामिक एसिड को क्या कहते हैं तो बहुत इजी था पेनगामिक एसिड को बी फिफ्टीन कहा जाता है तो फिफ्टी सेकेंड का सही आंसर बन जाता है डी ओके तो इसमें तो कोई कोई ज्यादा खास डाउट नहीं है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है फिफ्टी थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करेंगे अ फैक्ट लाइक कंपाउंड फाउंड इन एनिमल टिश्यूज थॉट टू कॉज एथ्रोस्क्लेरोसिस तो ये बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी ब्लड ब्लड के वेसल्स होते हैं तो ब्लड वेसल्स में फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वहां पे क्लॉटिंग होती है और उस वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और बहुत सारी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फैट लाइक सब्सटेंस ऑफ़ कोर्स ग्लूकेगन नहीं होगा बिकॉज ग्लूकेगन रिलेट्स विद द कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकेगन ग्लूकोज रिलेट्स विद विद कार्ब्स एंड कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल रिलेट्स विद फैट तो यहां पर सही आंसर इसका होना चाहिए बी और कोर्टिसोल एक हार्मोन है तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए एंड हॉर्मोन आर मोस्टली प्रोटीन रिलेटेड तो यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए बी तो फिफ्टी थर्ड का सही आंसर बी कोलेस्ट्रॉल ओके काफी इजी था ये वाला भी क्वेश्चन ओके नाउ अगर मैं आपसे बोलूँ कि फिजियोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन काफी मतलब uh, काफी डिफिकल्ट तो नहीं थे लेकिन टर्मोलॉजी बेस्ड थे टर्मोलॉजीज अगर आपको क्लियर होंगी तो आप अपना जो फिजियोलॉजी का जो ये जो क्वेश्चंस थे अच्छे से निकाल पाए होंगे अगर फिजियोलॉजी में थोड़ा सा आ, अगर, अगर, अगर इसके ऊपर फोकस नहीं किया होगा तो शायद दिक्कत यहाँ पर हो सकती है बट यहाँ पर क्वेश्चन मतलब ये मान लीजिए कि फिजोलॉजी के मेरे अकॉर्डिंग थोड़े से डिफिकल्ट आए थे और बाकी अगर कंटेंट की बात करूं हेल्थ की बात करूं और बायोमेगैनिक्स की बात तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस वहां पे दिए गए थे फिजोलॉजी में फिफ्टी फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें लोकल एंड टेम्पररी ऑफ ब्लड

तो हिमोलाइसिस भी इसका आंसर नहीं होगा अगर हिमाटूरिया uh, hemat, uh, की बात करेंगे तो हिमैटूरिया मतलब होता है कि जब भी uh, जब भी हमारी ब्लड uh, आता है यूरिन में तब उस कंडीशन को बोलते हैं हिमैटूरिया तो इन चारों में से ए ऑप्शन लग रहा है तो फिफ्टी फोर्थ का सही आंसर बन जाता है ए नाउ नेक्स्ट अगर फिफ्टी फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था यहाँ पे पूछा हुआ है कि प्री डिटरमाइंड मैक्सिमम सेफेस्ट Trait, किस तरीके से मेजर किया जाता था जाता है अभी भी जा, जाता है लेकिन अभी मतलब ये कि इसको ज़्यादा ओथेंटिक नहीं मानते क्योंकि अभी न्यू रिसर्चेस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक फॉर्मुलेज आ चुके हैं तो बट ये ओल्ड फॉर्मूला है यहाँ पे भी प्री डिटरमाइंड लिखा हुआ है पहले यूज किया जाता था तो फिफ्टी फिफ्थ का सही आंसर है यहाँ पे सी टू ट्वेंटी माइनस एच ओके तो फिफ्टी फिफ्थ का सही आंसर सी यहाँ पर बन जाता है बाकी कंफ्यूजन के लिए आपको काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं रिलेटेड फिफ्टी तो सिक्स ऑप्शन को देखें ऑफ द आरबीसी इज नोन एस तो जब आरबीसी रपच्चर होती है तो उन्हें उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है अगेन आई आय सिंह में काफी ज्यादा टर्मोलॉजी पूछी गई थी तो अगर आपको टर्मोलॉजी होगा तो आप आराम से इसको आंसर को निकाल लोगे तो फिफ्टी सिक्स का जो सही आंसर है वो है डी हिमलाइसिस ओके तो हिमलाइसिस ऑप्शन यहां पर भी दिया हुआ है हिमोलाइसिस ऑप्शन ऊपर में भी दिया हुआ है तो मैंने पूरे पेपर को जब एनालाइज किया तो मुझे ये चीज समझ में आई कि दो तीन बार ऐसा हुआ है कि सेम uh, ही ऑप्शन दो तीन ऑप्शन में दो तीन क्वेश्चन में देखा गया है इससे क्या होता है अगर आपको उसका आंसर पता होगा तो आपके छे के कंप्लीट मतलब सही हो जाएंगे बट अगर आपको नहीं आता होगा तो छ के छ आपके गलत भी हो सकते हैं तो यहां पे थोड़ा सा ये ड्रॉबैक रहता है तो फिफ्टी सिक्स का जो सही आंसर है वो है डी हिमलाइसिस इज दैट प्रोसेस जिसमें आरबीसी रप्चर होते हैं एंड इट इज नॉट अ गुड कंडीशन अच्छी कंडीशन नहीं है ओके फिफ्टी सेवेंथ क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं हम यहां पे। लैक ऑफ सफिशियंट आरबीसी और हीमोग्लोबिन इज लैक ऑफ सफिशियंट का मतलब हो गया इनसफिशियंट ओके okay, तो ये देखो तो आपको थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है तो लैक ऑफ सफिशियंट आरबीसी आरबीसी की कमी को क्या कहा जाता है तो ये बहुत ईजी सा है ये तो मतलब कॉमन है काफी तो कॉमन है तो इसका सही आंसर होगा सी एनीमिया तो 57 का सही आंसर एनीमिया बन जाता है बाकी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपका महाराष्ट्र का एग्जाम हो चुका है या फिर जब भी कोई आप एग्जाम को सॉल्व करते हैं एग्जाम देते हैं तो एग्जाम पेपर को सॉल्व करना बहुत जरूरी है उसको सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी है कि भाई आपने कितना पढ़ा था कितना एग्जाम में आया है और जहां पर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो क्यों समझ में नहीं आया द मीनिंग ऑफ ए बी सी डी मतलब सारे ऑप्शंस का मीनिंग क्या है क्योंकि अगर आप सारे ऑप्शंस का मीनिंग के अकॉर्डिंग समझ के उसको एनालिसिस करेंगे तो ये मान लीजिए कि अगला जो एग्जाम आने वाला है या फिर जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होती जाएगी तो इस तरीके से पेपर को सॉल्व करिएगा ओके तो फिफ्टी का सही आंसर बताता है सी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिफ्टी एथ क्वेश्चन अ क्लॉट ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड फ्रॉम बेसल्स और फोर्स इन द स्मॉलर वन मतलब ये मान लीजिए कि Uh, जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो ब्लड सर्कुलेट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पे क्लॉटिंग हो गई है ब्लड क्लॉट हो गया है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर है डी एम्बोलस तो इस प्रोसेस को इस कंडीशन को एम्बोलस कहा जाता है फिफ्टी में चेक कर लेती हूँ यस uh, yes. तो इसका फिफ्टी एथ का सही आंसर एम्बोलस है और बाकी ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन का सिंपल मतलब ये कि जब भी कोई सॉल्यूशन कोई, कोई या फिर कोई सोलवेंट एक प्लेस से दूसरी प्लेस में डिसॉल्व होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस एंड एंड डिफ्यूजन ओके जैसे एग्जांपल आपने राजमा भिगो दिया या फिर आ, ग्राम्स भिगो दिए और वो सुबह तो जाता है पानी अंदर तक भर है। तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन कहा जाता है इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस भी है बट हमें इस चीज की नीड नहीं है क्योंकि हमारा जो आंसर है वो है डी तो इस प्रोसेस को डी बोलते हैं बट लेकिन ये है कि आपको ऑस्मोसिस डिफ्यूजन डिस्पिनिया के बारे में पता होना बहुत जरूरी है तो जो डिस्पिनिया है ये भी एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी के बारे में नहीं पूछा गया तो इसलिए इसका आंसर सी भी नहीं होगा उसके बाद फिफ्टी नाइन क्वेश्चन की बात करें तो ये एक मैक्स का फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम वो, इंटू हर्ट रेट इंटू और जो ये जो इंटू है इसको क्या कहा जाएगा ये पूछा हुआ है इसका मतलब क्या है इसको क्या कहा जाता है ये पूछा हुआ है तो देखिए जितने भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं उनमें लिखा हुआ है आर्टेरियल

फिफ्टी नाइन का सही आंसर बी है बट जितने भी बुक्स आप देखेंगे तो वहां पे कहीं पर भी मिक्स नहीं दिया होता है तो मिक्स्ड यहाँ पे एड uh, ऑन किया हुआ है आई डोंट नो व्हाई बट आर्ट्रीय बट क्या पता हो भी सकता है किसी बुक में क्या पता है uh, uh, like देखा गया हो बट जहां तक मैंने इसको स्टडी किया है आर्टेरियल बीनस ऑक्सीजन डिफरेंस इसको कहा जाता है ओके okay, ऐसे ही सी टू भी होता है ए माइनस वी बी बार सीओ टू ओके और उसको क्या कहा जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स करके कमेंट में बताएंगे क्योंकि जब तक हम इन चीजों को नहीं पकड़ेंगे कि भाई अच्छा ये तो तो मुझे समझ में आ गया बट इसके अलावा भी तो कुछ चीजें होती हैं वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं अगर वो रह जाएगा तो आप अगले एग्जाम में फिर वही गलती करोगे तो वो गलती ना करो इसलिए जितना भी उस क्वेश्चन के रिलेटेड चीजें हैं वो भी अगर आपने सॉल्व कर ली तो आप आराम से बहुत अच्छी कर पाएंगे नेक्स्ट के लिए okay. 59th का आंसर बन जाता है यहां पे B. उसके बाद की की अगर अगर बात बात तो तो में आता है, volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, और ये सब स्टेटिक वॉल्यूम्स में काउंट किए जाते हैं तो इसका इससे मतलब क्या हम लोग कर सकते हैं आर लोअर्ड फॉर ट्रेंड लार्जर तो फॉर पे सी और डी तो सरासर गलत है क्योंकि ट्रेंड में ज्यादा होता है और अन्य तो तो दोनों गलत हो जाते हैं यही पर ही तो सी और तो आंसर बी तो है, या तो आंसर है. तो भाई हम कर सकते हैं अगर हमें किसी प्लेयर की बॉडी कैपेसिटी पता होगी अगर किसी प्लेयर की टाइटल वॉल्यूम पता होगी तो हम उसको और बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो इसका सही आंसर होगा ए मेरे इसका सही आंसर होगा सिक्सटी का ए कैन एक्सरसाइज परफॉर्मेंस तो ये सिक्सटी का ए आंसर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सही होना चाहिए ओके उसके बाद सिक्सटी फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू कोरोनल प्लेन जैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि दस क्वेश्चन आए थे फिजियोलॉजी में से और अगर आपकी टर्मोलॉजी क्लियर है तो आपने अच्छे से निकाल लिया होगा बट थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा अब यार देखो सेट का एग्जाम दे रहे हो तो डिफिकल्ट तो रखना पड़ेगा ना अगर पूरा ही इजी पेपर दे, दे देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा है कि डेवलपमेंट कैसे होगा डेवलपमेंट को थोड़ा सा चीजें डिफिकल्ट होना जरूरी है अब वहीं पर अगर बायोमेकेनिक्स की बात करें तो बहुत ही पेपर मतलब ये मान लो कि मतलब अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो भी आप दस के दस क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे मुझे काफी ज्यादा इजी लगा बट आई रियली होप कि आप लोगों को भी इजी लगा होगा सिक्सटी तो फर्स्ट का जो सही आंसर है वो है ए सही जल एक्सिस ठीक है नाउ अब सिक्सटी फर्स्ट में देखेंगे यहाँ पे पूछा हुआ है कि कोर्नल प्लेन जिसको फ्रंटल प्लेन भी कहा जाता है मेरा बहुत ही अमेजिंग एक प्लेन एंड एक्सिस का वीडियो अपलोडेड है अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा मतलब ये मान लीजिए प्लेन्स एंड एक्सिस के किस हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि प्लेन्स नेक्सिस का टॉपिक क्लियर होना और अगर आपने वो ब, 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 अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो मतलब ये मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा अच्छे से इस चीज को समझ जाएंगे तो जरूर देखिएगा तो वहां पर आपको पता चलेगा कि प्लेन्स एंड एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो यहाँ पे जो एक्सिस की बात की जाएगी तो सेटल एक्सिस अगर फ्रंटल प्लेन है तो एक्सिस विल बी सेटल अगर एक्सिस जैसे अगर ठीक है तो इस तरीके से तो सिक्सटी फर्स्ट का सही आंसर बन जाता है ए इसके बाद मूव तो, तो, करता है तो हिंज हिंज भी है और पेवर्ट भी है तो इसका मतलब है इसका सही आंसर बन जाता है सी तो सिक्सटी सेकेंड का सही आंसर बन जाता है सी बोथ ए एंड बी नाउ नेक्स्ट अगर सिक्सटी थर्ड क्वेश्चन की बात करें स्पीड मल्टीप्लायर्स तो भाई स्पीड मल्टीप्लायर्स होते हैं थर्ड क्लास लीवर अगर हम लोग बात करें क्लास टू लीवर की तो क्लास टू लीवर इज बेनिफिशियल फॉर द फोर्स एंड क्लास वन जो uh, होते हैं लीवर होते हैं वो होते फॉर द बैलेंस तो स्पीड मल्टीप्लायर यहाँ पे पूछा हुआ तो इसका सही आंसर बन जाता है बी तो सिक्सटी थर्थ का सही आंसर बन जाता है बी ओके उसके बाद सिक्सटी फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो पोटेंशियल होना चाहिए फॉर्मला पूछा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच और अगर हम लोग बात करें कैंटे एनर्जी का फॉर्मूला तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर तो यहां पे बहुत इजी था ये क्वेश्चन भी तो सिक्सटी फोर्थ का सही आंसर बन जाता है सी एम जी एच ओके नाउ सिक्सटी फाइव क्वेश्चन सिक्सटी फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं इध क्वांटिटी विच हैज मैग्ट्यूड एंड डायरेक्शन दैट इज सी वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि में में क्यों में में क्यों तो हमारे पांच क्वेश्चंस हो चुके हैं और आपको समझ में आ रहा है कि कितना इजी बायोमैकेनिक्स के टॉपिक में से क्वेश्चन लिए गए थे आगे भी इजी है ऑफ डैश जूल तो जूल किसकी यूनिट है तो वो एनर्जी की है फोर्स स्पीड ऑबी की नहीं है एनर्जी इज द आंसर सिक्सटी सिक्स का सही आंसर है ए फोर्स इज प्रपोर्शनल टू अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है तो सेंट्रिफिकल का फोर्स फोर्सल फोर्स का फॉर्मूला uh, जो होता है वो होता है एम एंगुलर एंगुलर एंगी का होल स्क्वायर इन आर मास इंटू एंग्लोवर्सिटी का होल स्क्वायर इंटू आर तो ये इसका फॉर्मूला है और अगर फॉर्मूला देखें तो फोर्स जो है वो है मा, मास से, से और रेडियस से ठीक है तो और वो भी स्क्वायर ऑफ द एंग्लोवर्सिटी यहाँ पे दिया हुआ है तो ए बी आंसर है बी बी आंसर मतलब सी आंसर सही होगा तो ए बी दोनों सही है इसका मतलब है सिक्सटी सेवन का सही आंसर बन जाता है सी ओके okay, काफी इजी था बट लेकिन ये है कि अगर आपको इसका फॉर्मूला पता होगा तो आप पक्का इसका आंसर निकाल देंगे बट uh, मेरे मन में डाउट है अगर फोर्स का ये है तो सेंट्री पिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे क्योंकि देखिए जब तक चीजें एक्सपैंड नहीं होंगी मजा नहीं आएगा ना डेवलपमेंट कैसे होगा तो आप मुझे बताए था कि आपके आंसर से बाकी लोगों को भी अः हेल्प uh, uh, मिल सके बाकी अगर आप लोग आंसर देंगे तो मैं पक्का आप लोगों को कमेंट करके रिप्लाई करके बताऊंगी कि आपका आंसर सही है कि गलत है तो जरूर कमेंट करिएगा इसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन थ्रोइंग इवेंट्स कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं तो भाई हाइट भी है एंगल भी है स्पीड भी है मतलब तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है इसका मतलब है सही आंसर बन जाता है डी तो ऑल ऑफ दी अब आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर थ्रोइंग इवेंट तो सिक्सटी एथ का सही आंसर बन जाता है डी सिक्सटी क्वेश्चन तो भाई एंग्लोवेटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है अभी ऊपर ही हम लोगों ने देखा है कि एंग्लोवेजी को ओमेगा के साथ डिनोट करते हैं तो यहां पर जो बी है वो इसका सही आंसर बन जाता है ओमेगा और एल्फा के साथ डिनोट होता है एंग्लोर एक्सलेशन और थीटा के साथ डिनोट होता है स्पीड नॉट स्पीड एक्चुअली थीटर के साथ डिनोट होता है डिस्टेंस ओके एंग एंगर डिस्टेंस तो ये यहां पर बन जाता है आपका सिक्सटी नाइन्थ का सही आंसर है बी सेवेंटींथ क्वेश्चन यूनिट ऑफ द पावर इज द पावर की यूनिट है तो बहुत ईजी था, था? 70 का क्वेश्चन का आंसर है ए वॉट सेवेंटी फर्स्ट क्वेश्चन विच नॉट कम अंडर द कॉग्रेटिव मोटिवेशन थ्योरी अब यहाँ पे शुरू होती है आपकी साइकोलॉजी तो अभी हमारे फिजियोलॉजी का पार्ट खत्म हुआ है थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन ये है कि अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आप कर करोगे बायोमेकेनिक्स बहुत ही ईजी था अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप सारे ही क्वेश्चन को कर लोगे मतलब तो दस के दस क्वेश्चन आपके पक्के ओके सेवेंटी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है साइकोलॉजी साइकोलॉजी में मतलब ये है कि थ्योरीज के रिगार्डिंग पूछा गया था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था इजी टू अंडरस्टैंड इजी टू अप्रोच आप कर, कर पाएंगे मतलब आउट ऑफ रीच नहीं था था इजी ही आया था. 71st में अगर देखेंगे तो कॉग्रेटिव मोटिवेशन थ्योरी के अंदर कौन सी थ्योरी नहीं आती है तो गोल सेटिंग थ्योरी एट्रिप थ्योरी मोटिवेशन की है यस ए भी है बी भी मोटिवेशन की है यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी मोटिवेशन की है मतलब ए बी और डी मोटिवेशन थ्योरी है सी अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस मोटिवेशन थ्योरी नहीं है ठीक है तो सेवेंटी फर्स्ट का मेरे अकॉर्डिंग सही, तो सही आंसर बन जाता है सी अनकॉन्शियस मोटिवेशन थ्योरी

तो ये क्टिव भी नहीं होगा तो इट इज ओके तो जो बाहर से मोटिवेशन मिल रहा है हमें जिसका इफेक्ट हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर हो रहा है तो ये है ट्रूली बेस्ड तो एक्सट्रसिक्ड का सही आंसर बन जाता है सी ओके नाउ सेवेंटी थर्ड क्वेश्चन नाउ अच्छा ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं अब अभी पे बहुत अच्छे से है कि जब भी हम कोई स्किल सीखते हैं स्किल लर्न करते हैं तो स्किल लर्निंग के लिए पेजेज आते हैं उसको अरेंज करिए करेक्ट सीक्वेंस में अब सीक्वेंस पूछा हुआ है तो मैं अपनी क्लासेस में बताते रहती हूँ कि जब भी सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे कहीं पर भी असेंडिंग और डिसेंडिंग दिया नहीं हुआ है तो दैट मीन्स आप अपने आप नहीं देख सकते भाई असेंडिंग कौन सा है डिसेंडिंग कौन सा क्योंकि अगर उन्होंने असेंडिंग पूछा है तो उनका असेंडिंग आपका डिसेंडिंग भी हो सकता है तो ऑलवेज ऑलवेज चूज द आंसर विद द विद्शन तो ऑप्शन जिस तरीके से दिया होगा उस तरीके से आपको इसका आंसर चेक करना है तो so यहां पर थोड़ा थो सा देख दे सकते हैं तो तो, तो, तो देखिए तो पहले है एसोसिएटिव फेज ऑफकोर्स तो ये शुरुआत में तो नहीं होगा जब भी सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन तो स्टार्टिंग का और एंडिंग का आप एक बार देख लो ऑटोमेटाइजेशन फेज ऑफकोर्स लास्ट में होगा स्टार्टिंग में तो नहीं होगा बीच में भी नहीं होगा तो ये ऑटोमेटाइजेशन फेज लास्ट में होगा तो थ्री लास्ट में होगा इसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं कॉग्निटिव स्टेज तो ये स्टार्टिंग में होगा प्रेजेंटेशन मतलब डिमोस्ट्रेशन ये भी स्टार्टिंग में होगा एसोसिएटिव ये बीच में होगा ठीक है तो प्रेजेंट करने के, के बाद चीज को कॉग्रेटिव मतलब उसको समझेंगे कॉग्रेटिव मतलब उसको परसीव करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे के उसके बाद एसोसिएट करेंगे लिंक करेंगे मतलब फर्स्ट एंड दे तो सही ऑप्शन बन जाता है यहाँ पर मतलब यहाँ पर सिक्वेंस बिल्कुल सही दिया हुआ थावेंटी फोर्थ देखिए वॉट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रन तो भाई यंग चिल्ड्रन के लिए किस टाइप का मोटिवेशन ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होगा तो देखो इंट्रेंसिक तो होगा एक्सट्रेंसिक भी होगा क्योंकि एक्सट्रेंसिक मतलब बचपन से जब हम लोग बच्चों को कुछ टॉफी देते हैं कोई चीज देते हैं तो वो काम हमारा कर देते हैं ठीक है, है नहीं तो ये एक टाइप का एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन ये कि भाई बच्चों को पता है कि अगर मैं ये काम कर दूंगा तो मुझे कोई चीज मिलेगी तो एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन भी हम लोग बचपन में बच्चों से बच्चों में डेवलप हो जाता है इंट्रेंसिक भी होता है अचीवमेंट मोटिवेशन नहीं होता है ओके अचीवमेंट मोटिवेशन की बात करते हो तो जो यंग होते हैं यंग में 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 लाइफ लाइफ क्या बनना है में क्या, आ, हम लोग अचीव करेंगे ये करेंगे वो करेंगे ये डेवलप नहीं होता है तो अचीवमेंट मोटिवेशन मेरे अकॉर्डिंग सेवेंटी फोर्थ का सही आंसर बन जाता है सी अचीवमेंट मोटिवेशन ओके इसके बाद अगर हम लोग बात करें हैं सेवेंटी फिफ्थ क्वेश्चन की

So... एज एसन एंड रीजन की मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही अच्छी एक वीडियो बनाई हुई है अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा सो एज एंड रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए क्योंकि एग्जाम में आते ही आते हैं पेपर वन पेपर टू दोनों मिला के अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव आपको क्वेश्चन एज एसन और रीजन के मिल जाएंगे अगर आपकी कमांड बहुत ज्यादा अच्छी है इसके ऊपर तो आप इसका आंसर आराम से निकाल लोगे ठीक है

कि अब हमें देखना है कि क्या इसकी करेक्ट एक्सप्रेशन है तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है क्योंकि में में केवल है है एग्रेशन एग्रेशन की की बात कर रहे है, और में की बात कर कर रहा रहा और रीजन ओनली तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहां पर रिलेशनशिप नहीं बन रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग तो सेवेंटी तो सिक्स तो का सही आंसर होना चाहिए सी ओके विच इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्रेशन बाकी देखो कई बार ना कुछ पता नहीं होता है कि एज एन रीजन में अगर आपको समझ में आ रहा है बट आंसर कुछ और ही है ना तो बट मेरे अकॉर्डिंग इसका सेंसर सी होना चाहिए बाकी आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसका सेंसर क्या होना चाहिए ओके चलिए नाउ सेवेंटी सेवेंथ क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो भाई यहाँ पे पूछा हुआ है साइकोलॉजिकल क्वालिटीज बतानी है हीना सिद्धू ये एक एग्जाम्पल है तो हीना सिद्धू में अगर साइकोलॉजिकल क्वालिटीज की बात करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन साइकोलॉजिकल है कॉन्फिडेंस साइकोलॉजिकल है स्टेबल मस्कुलर स्ट्रेंथ ये साइकोलॉजिकल नहीं है ये फिजिकल है और मेंटल स्टेबिलिटी ये साइकोलॉजिकल है मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ साइकोलॉजिकल है तो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ दिया हुआ है फर्स्ट कहाकेंड फोर्थ ए में दिया हुआ है तो ए वुड बी द आंसर तो सेवेंटी सेवेंथ का सही आंसर बन जाता है ए उसके बाद सेवेंटी एथ क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पे तो प्राइमरी गोल ऑफ एग्रेशन इज द इंजरी ऑफ अनदर प्लेयर देखिए मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि भाई पूरे पेपर में दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ऑप्शंस में बार बार रिपीट हुए हैं तो यहां पर भी आपको समझ में आता है कि भाई अगर आप किसी को इंजर्ड कर रहे हो किसी पर्सन को अगर इंजरी कर रहे हो ये आपका प्राइमरी गोल है तो ये है हॉस्टाइल एग्रेशन तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आ, बी सेवेंटी तो का सही आंसर बन जाता है बी ओके उसके बाद सेवेंटी नाइन्थ क्वेश्चन की बात करेंगे

इसका सही आंसर हो जाता है सेवेंटी नाइन का बी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए ओके एटी क्वेश्चन की बात करेंगे अच्छा ये थोड़ा सा ना एक मतलब एक ट्रिकी क्वेश्चन है इसमें आपकी नॉलेज या फिर आपने कितना पढ़ा हुआ है वो मैटर नहीं करता ये एक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है एक अवेयरनेस वाला कि भाई आपको कितना समझ आ रहा है परसेप्शन कितना अच्छा है आपका तो एक स्टूडेंट है जो कि जिकजैक स्कीपिंग uh, कर रहे हैं और इस मूवमेंट को क्या कहा जाएगा इस मूवमेंट को किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाएगा ठीक है तो ये पूछा हुआ है तो ए बी सी एंड डी तो या तो वो एफर्ट लगा रहा है ओके okay, एफर्ट लगा रहा है ठीक है स्पेस अवेयरनेस तो वो स्पेसिस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहा है सी रिलेशनशिप रिलेट कर पा रहे चीजों को और बॉडी अवेयरनेस उसको अपनी बॉडी के बारे में पता है तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होना चाहिए बी स्पेस अवेयरनेस क्योंकि स्किपिंग में अगर वो जिग्जैक्स पैटर्न uh, uh, से स्किपिंग कर रहा है तो जिग्जैग पैटर्न आपने देखा होगा ना इस uh, इस वे uh, में होती है तो जहां पर स्पेस होगा वहां पर उसको मूव करना है, है ना तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका सही साइड होना चाहिए स्पेस अवेयरनेस बाकी इसके बारे में आई एम नॉट हंड्रेड परसेंट श्योर Uh, कुछ भी इसका आंसर हो सकता है कौन सा एक ऑप्शन है जो कि इन इफेक्टिव टीचिंग को डिस्क्राइब करता है तो भाई स्टूडेंट वर्क अलोन विदाउट सुपरविजन सुपरविजन के बिना ही जो स्टूडेंट्स है वो काम कर रहे हैं तो फर्स्ट ये एक नेगेटिव टर्म है बाकी बी सी डी पॉजिटिव टर्म है तो भाई क्लियर हो जाता है बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था केवल आपको एक, एक बार में जज करना है कि एटी फर्स्ट का जो आपसे पूछा है कि इन इफेक्टिव मतलब आंसर ऑलवेज नेगेटिव नेगेटिव ही होगा तो ए एक ऑप्शन है तो एटी फर्स्ट का सही आंसर बन जाता है ए ओके नाउ एटी सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्राइम ट्रेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एज ओके ना ये थोड़ा सा मुझे भी इसमें डाउट है मतलब मैं इसमें हंड्रेड परसेंट श्योर sure नहीं हो सकती बट फिर भी आई विल ट्राई अगर प्राइम ट्रेड की बात करें ट्रेड आर दैरक्टरिस्टिक्स अगर प्राइम ट्रेड की बात करेंगे एथिकल प्रिंसिपल्स को लेकर प्रोफेशन मतलब प्रोफेशन के एथिकल प्रिंसिपल्स का नेचर कैसा होना चाहिए ए बोल रहा है एक्वायरिंग स्पेसिफिक नॉलेज बी बोल रहा है एथिकल प्रॉब्लम्स अकर्ड इन प्रोफेशनल सर्विसेज सी बोल रहा है सोशल सर्विस एंड डी बोल रहा है नन ऑफ अबव ठीक है तो नन ऑफ अबव तो होना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर रिलेट हो पा रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग देखो सोशल सर्विस तो नहीं होगा क्योंकि अगर एथिकल इश्यूज की बात करें तो सोशल Social... सर्विस एक मोरल में आता है मोरल तो प्रोफेशन uh, एक पर्पस uh, के लिए होता है एक टारगेट एक एम के लिए होता है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव uh, है, होते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं तो सोशल <laughs> ये जो है मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर सी नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ए होना चाहिए बिकॉज अगर एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करें और मेन अगर नेचर की बात करें तो किसी भी प्रोफेशन का मेन नेचर होता है एक्वायरिंग स्पेसिफिक नॉलेज तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होना चाहिए ए इट इज सेकेंड कास्ट मुझे ए लग रहा है बाकी आई एम नॉट श्योर हंड्रेड परसेंट फॉर दिस ओके नाउ अब यहाँ पे आपको क्या करना है अरेंज द फॉलोइंग स्टेज इसको स्टेज स्टेज को आपको अरेंज करना है सिस्टमैटिक ऑर्डर में करेक्ट सीक्वेंस लगाना है ओके तो अब यहाँ पे मैंने अगेन आपको बोला हो कि भाई जब भी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको कभी भी ऑप्शन को देखकर या फिर क्वेश्चन को देखकर जज नहीं होना है कि असेंडिंग पूछा है कि डिसेंडिंग पूछा है कुछ भी पूछ सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग कोई भी ठीक है तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे फिर आप यहाँ पे जज करेंगे तो इनिशियल डिस्कंफर्ट स्टेज तो ये स्टार्टिंग में ही होगी और अगर हम लोग बोले कि ये जो फोर्थ दिया हुआ है ये लर्निंग वराइटी ऑफ टेक्निक्स तो लर्निंग वराइटी ऑफ टेक्निक्स मतलब ये मान लीजिए कि ये आखिरी में ही होगा है ना और सेकेंड और थर्ड बीच में हो सकता है मतलब स्टार्टिंग में है वन और एंडिंग में है फोर्थ मतलब एंडिंग्स में कौन कौन से फर्स्ट और फोर्थ एंडिंग्स में है अगर इसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो जरा ऑप्शन देखिएगा अगर स्टार्टिंग में है वन तो एंडिंग में फोर्थ नहीं है इसका मतलब है अगर स्टार्टिंग में फोर्थ तो एंडिंग में वन है मतलब ये डिसेंडिंग पूछा हुआ है तो, 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 तो मेरी बात समझिएगा कि जब भी सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं तो ऑलवेज डिसाइड ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग इसका सेंसर डी बन जाता है तो एटी का सही आंसर है डी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एटीफोर्थ क्वेश्चन अगर इंटरवल मेथड यूज कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए तो कौन कौन से वेरिएबल्स है जो कि यूज किए जाएंगे अगर ए बी सी और डी में से देखें तो ऑड वन आउट आप यहाँ पर निकाल सकते मैंने, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि अगर आपको ऑप्शन में समझ में ना आए और अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कुछ भी ट्रिक यूज नहीं हो पा रहे तो यूज दिस ट्रिक ऑड वन आउट ओके तो यहाँ पे आप देखेंगे और सी में भी यहाँ पे ट्रांजिशन दिया हुआ है तो बी और सी रिलेट हो रहा है मतलब ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग पीरियडाइजेशन period, तो नहीं देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग इंटरवल मैथड की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस लोड स्प्रिंट एंड रिले डिस्टेंस टाइम रिपीटेशन एंड रिकवरी पीरियड तो जो इंटरवल मैथड है उसमें रिपीटेशन होते हैं उसमें मेन फैक्टर है टाइम का तो टाइम भी है रिकवरी पीरियड भी है और डिस्टेंस भी है तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर बन चाहिए एटी का ए तो एटी का सही आंसर यहाँ पे ए बन जाता है ओके 85 क्वेश्चन एटी क्वेश्चन यहाँ पे दिखाइए प्रोग्रेसिव चेंज इन द दबिलिटी टू थिंक रीजन एंड एक्ट कुछ हुआ है मतलब हम थिंक हम सोच भी रहे हैं रीजनिंग भी कर रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं तो अगर मोटर लर्निंग की बात करेंगे मोटर इज रिलेट विद द फिजिकल या मोटर रिलेट विद द फिजिकल और कोग्नेटिव रिलेट ओनली मतलब ओनली मेंटल अफेक्टिव रिलेट बिहेवियर एंड अगर डी की बात करें तो मोटर लर्निंग मतलब उसको सोच पा रहे हैं समझ पा रहे हैं और उसको एक्ट भी कर पा रहे हैं तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल भी आता है और मोटर भी आ रहा है मतलब यहाँ पे फिजिकल भी आ रहा है इसका सही आंसर बन चाहिए डी तो एटी का सही आंसर है डी क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग रीजनिंग

और इसका आंसर ढूंढिए और इसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा गूगल में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि इसका आंसर आपको क्या लगता है एट्टी सिक्स का जो सही आंसर वो आपके थ्रू मुझे मिलने वाला है ओके चलिए एक्सपेक्ट करते कि आप लोग जरूर इसका रिप्लाई करेंगे ओके चलिए एटी सिक्स के बाद एट्टी सेवेंथ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अफेक्टिव डोमेन देखो समझ में आ रहा है ना अफेक्टिव डोमेन मैंने अभी आपको बताया अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है रिलेट विद द बिहेवियर तो अगर बिहेवियर की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है ये समझो। तो ब्लूम्स uh, एक्सोनॉमी तो के अकॉर्डिंग अगर आप इसको चेक करेंगे तो अफेक्टिव जो डोमेन है एरिया है वहां पर अंडरस्टैंडिंग ओके रिस्पॉन्डिंग अटेंडिंग एंड इमिटेशन इमिटेशन मतलब, मतलब देखकर सीखना तो अगर किसी चीज को देखकर सीख रहे हैं तो ये एक uh, uh, मतलब अफेक्टिव डोमेन में नहीं आएगा अफेक्टिव डोमेन का मतलब है कि हम हमारा कैसा बिहेवियर है हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं हमारा नेचर कैसा है हम कैसे इंसान है तो अगर responding, कि भाई आगे वाला हमें कुछ बता रहा है और हम उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो ये हमारा बिहेवियर है हम किसको किस तरीके से अटेंड कर रहे हैं ये भी हमारा बिहेवियर है तो सेकेंड एंड थर्ड वुड बी द आंसर अब सेकेंड एंड थर्ड कहां पर दिया हुआ है ये डी में दैट मीनस एटी सेवन का मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होना चाहिए डी तो उसकी वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं तो ये बात बिल्कुल सही लीडरशिप डेवलप होगी वैल्यूज डेवलप होंगी सोशलाइजेशन बढ़ेगा एंड कल्चरल एक्सचेंज होगा मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारो आ, बिल्कुल सही ऑप्शंस यहाँ पे रिलेट हो रहे हैं तो भाई इसका सही आंसर हो जाता है डी तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होना चाहिए एटी एथ का डी ओके क्वेश्चन क्वेश्चन की अगर बात कर देखो एटी नाइन्थ क्वेश्चन में ए बी सी एंड डी मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अगर बात करेंगे तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का आंसर आज ट्वेंटी सेवन जो हम लोगों ने पड़ा हुआ है हर जगह है ना बट ऑप्शन में कहीं पर भी 1927 नहीं दिया, दिया हुआ है सॉरी 1927 दिया हुआ है एक सेकेंड मतलब यहाँ पे ना एक, एक डाउट था मैं आपको देख के बताती हूँ क्योंकि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो एटी में स्कूल गेम फेडरेशन का जो हुआ था निर्माण अच्छा अच्छा सॉरी 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 ओके नहीं इसमें कोई डाउट नहीं है सॉरी मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो रही है ठीक है नहीं इसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल सही दिया हुआ है अब मैं बतातू किस तरीके से इसका आंसर होगा तो एटी नाइन्थ में जो इसका सही आंसर है तो इसका आंसर ए ए ए ए ओके जो A है A का थ्री दिया हुआ है दैट स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन तो ए का ऑप्शन थ्री है उसके बाद अगर बात करें हम लोग बी की तो द स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो बी ऑप्शन है उसका सही आंसर है फर्स्ट ओके। okay? तो आप उसके बाद हम लोग बात करेंगे डी की तो डी का जो सही ऑप्शन है वो है आ, सेकेंड मतलब 1928। और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसका सही आंसर होना चाहिए फिफ्थ सी का फिफ्थ ओके okay? तो यस, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे 89 का सही बन जाता है ए ओके okay? तो 89 का सही आंसर ए मतलब मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में डाउट लग रहा था बट नहीं अभी कोई डाउट नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डाउट नहीं है बिल्कुल सही दिया हुआ है मतलब क्वेश्चन में आंसर भी बिल्कुल सही आया है ओके हु फ्रेमड नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री स्कूल तो एलिमेंट्री स्कूल के लिए करिकुलम कौन डिसाइड करता है तो इसका सही आंसर बन जाता है एनसीईआरटी एनसीटी टीचर प्रोग्राम एंड टीचिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा उसके लिए होता है यूजीसी फॉर हायर हायर एजुकेशन जो फंडवाइड करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग नाइनटीथ का साइज होना चाहिए बी एनसीआर ओके बाकी इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए अ परसन बिलीव इन हिस्स एंड हर ओन एबिलिटी तो इसको क्या कहा जाएगा तो इसको कहते हैं सेल्फ एफिक अपने आपके ऊपर भरोसा होता है अपनी एबिलिटी के ऊपर Uh, हमें कॉन्फिडेंस होता है तो उसको कहते हैं सेल्फ एफिकेसी तो एफिकर्स्ट का सही आंसर बन जाता है बी नाइंटी सेकेंड ऑप्शन मच वाइटल रोल इन पॉपुलराइजिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन अमंग ऑल तो इनमें से कौन से ऑप्शन में से आप चूज करेंगे जो कि हेल्थ एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत पॉपुलराइज करता है बहुत बड़े स्तर पे पॉपुलराइज करता है तो प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर, पेपर मैगजीन्स जो कि हर कोई नहीं पढ़ता और वैसे आजकल के टाइम पे तो ऑफकोर्स प्रिंट से मीडिया से कई ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्यादा फेमस है और ज्यादा चीजों को स्प्रेड करती है बहुत जल्दी तो सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस भी नहीं क्योंकि हर कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करता है कल्चर इंट्रेक्शन तो कल्चर इंट्रेक्शन में भी हम उतना चीजों को ग्रो नहीं कर पाएंगे तो मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वुड बी द आंसर नाइन्टी सेकेंड का सही आंसर बन जाता है सी उसके बाद नाइंटी थर्ड क्वेश्चन फॉलोइंग वुड रिक्वायर अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको यूज करने के लिए हमें डॉक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है तो इसका जो सही आंसर है वो डी एनलगेसिक्स ओके जब भी हम लोग पेन पेन किलर्स लेते हैं तो पेन किलर्स हमें यू ही नहीं लेने चाहिए तो प्लेन जो, जो पेन किलर्स है वो प्रिस्क्राइब होना चाहिए बाकी वाइटम सप्लीमेंट्स हम लोग ले सकते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स ले सकते हैं डाइट पिल्स भी ले सकते हैं बट जो डी है वो हमें डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं ओके नाइनटी फोर्थ अगर ऑप्शन की बात करें तो भाई अगर प्राइमरी स्टूडेंट्स अगर देखो अगर प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं और प्राइमरी स्टूडेंट्स में से जो हैवी है जो हैवी है उनके लिए सबसे इजी एक्टिविटी कौन सी होगी वो कौन सी इजी एक्टिविटी कर पाएंगे तो बहुत इजी है क्योंकि स्टेबिलिटी वो कर पाएंगे एलिटी नहीं कर पाएंगे अगर हैवी uh, है तो वो उनकी बॉडी एजाइल तो नहीं होगी स्पीड भी कम होगी और रोटेट भी नहीं हो पाएंगे तो इसका सही आंसर है ए तो नाइन्टी फोर्थ का सही आंसर बन जाता है ए स्टेबिलिटी तो वो लाइक uh, स्टेबिलिटी like वाली एक्सरसाइज एक्टिविटीज ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे ओके नाइन क्वेश्चन हाउ मेनी डिफरेंट एमिनो एसिड्स आर यूज ह्यूमन बॉडी तो आंसर इज ट्वेंटी किसी किसी बुक में दिया हुआ ट्वेंटी और किसी बुक में दिया है ट्वेंटी वन Uh, अगर इजेंशियलो एसिड्स की बात करें तो इजेंशियलो एसिड्स uh, जो होते हैं वो होते हैं वो होते हैं नाइन और जो होते हैं जो, जो नॉन तो वो होते हैं इजेंशियलो ओके okay? बाकी एक हिस्टीडाइन ऐसा इमिनो एसिड्स है जो कि इजेंशियल भी है और आपका नॉन इजेंशियल भी है तो नाइनटी फिफ्थ का सही आंसर बन जाता है सी ट्वेंटी ओके नाउट नाइंटी सिक्स अब नाइनटी सिक्स के बारे में भी मैं थोड़ा सा डाउट है तो का भी मैं आ, अपने हैंड से 100 आंसर नहीं दूंगी क्योंकि आई एम नॉट श्योर अबाउट दी सिक्स का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी बिकॉज uh, मुझे श्योर नहीं है इसके बारे में मुझे आइडिया भी नहीं है इसके बारे में तो नाइनटी सिक्स का क्वेश्चन का आंसर हम लोग अभी छोड़ देते हैं ठीक है बाकी अगर आपको पता है तो आप लोग जरूर बताइएगा नाइनटी सेवेंथ क्वेश्चन द गवर्नमेंट एजेंसी प्रोवाइड रिक्रिएशन थ्रू तो जब भी कोई गवर्नमेंट uh, एजेंसी होती है तो वो रिकेशन किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होना चाहिए डी एक्सटेंस एक्सटेंशन सर्विस ठीक है तो जो भी हमारे एक्स्ट्रा extra, जो एक्स्ट्रा सर्विसेज तो होती है उसमें आता है रिक्रिएशन तो नाइनटी सेवेंथ का सही आंसर होना चाहिए डी एक्सटेंशन सर्विस नाइनटी एट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कम्पोनेट ऑफ द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का कौन सा मेजर कॉम्पोनेट नहीं है तो फिजिकल एजुकेशन हाँ होता है हेल्थ स्कूल एनवायरमेंट होता है न्यूट्रिशन सर्विसेज होता है हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है तो इसका सही आंसर बन जाता है सी नाइनटी एट्थ का सही आंसर है सी अब नाइनटी नाइन्थ क्वेश्चन की अगर बात करेंगे द कॉम्पोर ऑफ द वेलनेस इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट तो देखिए थोड़ा थोड़ा थो, सा ट्रिकी है क्योंकि स्पिरिचुअल होता है फिजिकल तो होता है तो मतलब ए और डी तो होता है मतलब ए और डी आंसर नहीं होगा अब अगर इंटेलेक्चुअल एंड साइकोलॉजिकल की बात करें तो साइकोलॉजिकल एक प्रोसेस है एक स्टडी है ओके, इट्स अ स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेस मतलब साइकोलॉजिकल में काफी सारी चीजें आती है और इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल एंड फिजिकल रिलेट हो रहा है सॉरी तो अगर आप लोग इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे बुक्स में भी सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा वेलनेस के कौन कौन से कॉम्पोनेट होते हैं तो वहां पर स्पिचुअल मिलेगा इंटेलेक्चुअल मिलेगा एंड फिजिकल मिलेगा साइकोलॉजिकल नहीं मिलेगा तो नाइनटी नाइन्थ का सही आंसर है सी साइकोलॉजिकल नहीं होता है बाकी ए बी डी होते हैं ओके नाउ दिस इज द लास्ट 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 क्वेश्चन और ये भी काफी इजी है कि भाई कौन सी कंट्री ऐसी जिसमें हाईएस्ट ओबेसिटी रेट है बच्चों में और यंग एडल्ट्स में ओके okay, तो ये इसका सही आंसर है यहां पे यूएसए तो हंड्रेड so, का सही आंसर हो जाता है सी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जरूर जाइएगा और मतलब क्वेश्चन करवाए हैं हंड्रेड क्वेश्चन में से एट एट मतलब अराउंड एट क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मुझे डाउट है बाकी नाइनटी टू क्वेश्चन ऐसे है जिसमें मैं कन्फर्म हूं कि उसका आंसर जो मैंने बताया वही होगा और 100 में से हमें 60 टू सिक्स परसेंट चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए तो मतलब आपके लिए काफी रहेगा अगर आपने इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को एनालाइज किया है तो आप लोग बेफिक्र हो जाइए आपका जो एनालाइजेशन है वो बिल्कुल सही जाएगा बाकी वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आई रियली होप कि आप अगले वीडियो में भी जरूर रहेंगे ओके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, वॉचिंग कीप लर्निंग कीप स्टडिंग